वेलकम माय डियर, आज मैं आया दरभंगा पब्लिक स्कूल बेला दरभंगा, CBSE अफिलिएटेड प्लस टू स्कूल है, जहां पर AIC की परीक्षाएं चल रही। हमारे सामने प्रिंसिपल सर हैं, श्री RR चौरसिया सर। आज उनसे हम लोग डिटेल बात करेंगे कि सर के आने के बाद विद्यालय परिसर में और विद्यालय प्रांगण में सारी चीज़ों पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि उनके आने के पश्चात एकेडमिक एक्टिविटी में क्या सुधार हुआ, बच्चों का डिसिप्लिन कैसे है और स्कूल कैसे उनके रहते हुए ग्रो करेगा और कौन कौन सी रणनीति सर तैयार कर रहे हैं। सर, आपका इस चैनल पर स्वागत है और मैं उम्मीद करता हूं कि सर आप जो भी मैं पूछूंगा कॉर्डली और प्रसन्नतापूर्वक का जवाब हमें देंगे। सबसे पहले आप बताइए सर, आप इस विद्यालय को अब ज्वाइन किया आपने सर? धन्यवाद सर। इस विद्यालय में मैंने अपना योगदान 13 अप्रैल 2021 को दिया। आने के तुरंत पश्चात आपको क्या लगा कि क्या क्या चीज़ें इस विद्यालय में आपको बदलना चाहिए? एक पहली बात यह है कि मैं जैसे ही आया उसके तुरंत बाद एक दो महीने के लिए तो लॉकडाउन लग गया था जी। लॉकडाउन के बाद फिर जैसे ही मैं आया तो यहाँ ऑनलाइन क्लास की सिस्टम नहीं थी जी जी, लेकिन यहाँ आते के साथ मैंने तुरंत ऑनलाइन क्लास का सिस्टम स्टार्ट किया जी जी जी। और ऑनलाइन क्लास का सिस्टम बहुत ही इफेक्टिव वे में चला जी जी। हमारे 90% स्टूडेंट्स उस ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन किए जी जी, और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट। हाँ, ये यहाँ पर आने पर मुझे भी जानकारी मिली सर कि आपकी आप IT जो है बहुत एक्सपर्ट हैं। आपने पटना COE के थ्रू आपने जो टीचर्स ट्रेनिंग में भी काफ़ी ज़्यादा सक्रिय भूमिका निभाई है और आपको पुरस्कार भी मिला है और इंडिया लेवल पर भी आप सेलेक्ट किए गए हैं। तो सर, आजकल टीचिंग में जो ये मेथडोलॉजी बदल कर आ रही है सर, ये ऑनलाइन टीचिंग और ऑफलाइन में दोनों में आप कौन सा बेस्ट मानते हैं सर? देखिए, ऑफलाइन जो टीचिंग है वो तो अनडाउटेबली ऑफलाइन टीचिंग बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि इसमें फिजिकल इंट्रैक्शन होता है जी सर। हमारा जो लर्नर्स है, लर्नर्स के जेस्चर पोस्चर और उसके इमोशंस को हम डायरेक्टली फेस कर पाते हैं जी सर, तो इट इज़ क्वाइट इफेक्टिव। और दूसरा, जो ऑनलाइन मोड का टीचिंग है तो इट इज़ द वर्चुअल टीचिंग और इट इज़ द अल्टरनेट ऑप्शन जी सर, नॉट यू कैन से कि ये परफेक्ट ऑप्शन नहीं, अल्टरनेट ऑप्शन है जी जी। तो एज पर द नीड और जब भी इस तरह के कोई सर्कमस्टांसेज आते हैं, जो एडवर्सिटी जाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में हम वर्चुअल टीचिंग को लेते हैं, बट इट इज़ नॉट क्वाइट फ्रूटफुल फॉर ऑल द यंग लर्नर्स। एक सवाल सर मेरा, पटना रीजनल ऑफिस के द्वारा जो ये इनसाइड ट्रेनिंग जो ये चलाया गया है और आपका जो पोर्टल पर भी ट्रेनिंग चलती है, क्या इससे टीचर्स को क्या फ़ायदा मिल रहा है, क्या ये सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं? देखिए, जो हो रहा है इसमें एक तो सबसे बड़ी बात है कि एक तो लॉन्ग ड्यूरेशन हो जा रहा है। हालांकि जो NEP की जो प्लानिंग जी जी, NEP के अकॉर्डिंगली सारे टीचर्स को ये तो है कि जब तक आप ट्रेंड नहीं होते हैं, जब तक आप पढ़ते नहीं हैं, तब तक बेहतर टीचर आप नहीं होते जी सर। तो जो ये ट्रांसफॉर्मेशन का स्टेज चल रहा है जी सर, जो टीचिंग इम्पार्टिंग का जो मेथड चेंज हो रहा है, जो क्रूशियल चेंजेज इसमें आ रहा है, जो लर्नर्स बिल्कुल उनका जो माइंडसेट है, उनका जो लर्निंग पेस है वो एक ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है जी जी जी। इन सबको देखते हुए NEP के अकॉर्डिंगली हमारे सारे टीचर्स को टीचिंग के नए मेथड को, मेथडोलॉजी को, इम्पार्टिंग मेथड को सीखने की ज़रूरत है। और जो ट्रेनिंग कराई जा रही है जी जी, मैं तो ये एडवाइस दूंगा सारे टीचर्स को कि ट्रेनिंग के जो मॉडल्स हैं, इसके जो कंटेंट्स हैं, इसको सीरियसली पढ़ें जी। जो हैंडआउट्स दिए जाते हैं, जो इसको सीरियसली पढ़ें और ट्रेनिंग को बहुत ही अटेंटिवली अटेंड करें, ये इन द लॉन्ग रन बहुत ही इफेक्टिव होने जा रहा है। सर, आप बिल्कुल एनर्जेटिक है, डायनेमिक है, आपकी जो अपना वर्क है बहुत ज़्यादा ये साबित कर रहा है कि आपने आने के बाद बहुत सारी सीनरी स्कूल में बदल डाला। और आने वाले समय में लास्ट सवाल ये होगा कि आने वाले समय के लिए आप स्कूल को क्या देना चाहेंगे और क्या देकर जाएंगे यदि यहाँ से जाना आपको पड़े तो? देखिए, मैं कमिटेड हूँ। एक है कि पेरेंट्स जो उम्मीद लेकर बच्चों को यहाँ इनरोलमेंट कराते हैं जी जी, तो पेरेंट्स का एक उम्मीद होता है कि हमारे बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, क्वालिटी एजुकेशन मिले, बच्चा में सैक्रामेंटल वैल्यूज जो संस्कार हैं, डिसिप्लिन है, वो इनकलकेट हो जी। तो मैं इन सब को इनकलकेट कराने के लिए, क्वालिटी एजुकेशन इम्पार्ट कराने के लिए मैं बिल्कुल कमिटेड हूँ और मैं अपनी टीम को बिल्कुल इसी तरह से उनको ग्रूम अप कर रहा हूँ, मैं स्ट्रीमलाइनिंग कर रहा हूँ और सारे बच्चों में इसका इफेक्ट भी दिख रहा है। हमारे बच्चे बिल्कुल जो हिडन टैलेंट्स था, वो टैलेंट्स हमारे असेंबली में हमने एक नए चेंजेस किया है, उसमें हमारे सारे बच्चे उभर कर आ रहे हैं, उनको अवार्डेड करना, मेडल देना, तो इस तरह से देखा जा रहा है कि सारे बच्चे मतलब एक लर्निंग हंगरनेस जो होता है वो उसमें देखने को मिल रहा है। थैंक यू सर, आपसे बात करके बहुत खुशी। अब हम लोग विद्यालय के थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर ध्यान देते हुए वीडियो में देखिए, काफ़ी लंबा चौड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रांसपोर्ट की पूरी व्यवस्था है, कैंपस में बहुत सारी ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है, बसेज लगी हुई है। समय पर जब मैं आया तो देखिए स्कूल का स्ट्रेंथ लगभग 3500 है और उम्मीद है कि चौरसिया सर के रीजन में ये स्ट्रेंथ और भी बढ़ेगा। उम्मीद है फिर अगले वीडियो में हम लोग फिर कभी दूसरे स्कूल के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय।